तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि मुंबई सभी को बता देती है कि वो लोग काबनेरी हैं, ना कि काबने। और ट्रेन पर पिछले हमले की वजह से ट्रेन को एक जगह पर रुकना पड़ जाता है जहां कुछ लोग इकोमा और मुंबई को मारने की साजिश कर रहे थे, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग लेडी आई में कुछ करके सुलझा देती है। पर फेस्टिवल में मुंबई एक प्रेग्नेंट लेडी को मार देती है जो कि एक काबने बनने वाली थी, और दूसरी तरफ इकोमा बिना होश में लेडी आई में पर हमला कर देता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि सभी लोग मुंबई से डर रहे होते हैं क्योंकि उसने उस प्रेग्नेंट लेडी को मार दिया था। पर उससे पहले वहाँ पर और बहस चले, मुंबई नोटिस करती है कि उस जगह पर काबने हमला करने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ हम इकोमा को देखते हैं जिसने लेडी आईएमए पर हमला कर दिया था। लेकिन उससे पहले इकोमा लेडी आईएमए को काट लेता, कुरुसु वहाँ पर आके लेडी आईएमए को बचा लेता है, पर इकोमा के ऊपर गन रख देता है और मुंबई भी उस ट्रेन के अंदर आ जाती है सभी को बताने के लिए कि काबने आ चुके हैं और हमें फटाफट आयरन फोर्ट्रेस को चलाना पड़ेगा। आयरन फोर्ट्रेस पिछले अटैक से पूरी तरह रिकवर तो नहीं हुई थी, लेकिन वो वहाँ पर मरने का वेट भी नहीं कर सकते, इसलिए ट्रेन को चला दिया जाता है। और आगे बढ़ते हुए आयरन फोर्ट्रेस पर काबने अटैक कर रहे होते हैं जिन्हें ऊपर खड़े गार्ड्स रोक रहे होते हैं, और ट्रेन के अंदर मुंबई कीबितो से पूछती है, क्या तुम लोग पक्का मेरे बगैर लड़ पाओगे? पर कीबितो ये कहकर मना कर देता है कि मेरे आदमी कटने से डरते हैं, और वहाँ का गेट बंद करके चला जाता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि आयरन फोर्ट्रेस उन काबने से बचकर निकल चुकी है, और ट्रेन के अंदर के सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि हमें काबनेरी यहाँ पर नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ लेडी आईएमए चेक करवा रही होती है कि उनके शरीर पर काबने के कोई काटने के निशान तो नहीं है, और शुक्रगुजार उनके शरीर पर कोई निशान नहीं होता। और बाहर वही बूढ़े आदमी लेडी आईएमए को आवाज लगा रहे होते हैं और उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, और बाहर जाने के बाद वो सभी लेडी आईएमए को भाषण देने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि ये सब तुम्हारी ही गलती है क्योंकि तुम ही थी जिन्हें उन काबनेरी पर काफी ज्यादा यकीन था, और वो कहते हैं कि तुम्हारे हाथों में आयरन फोर्ट्रेस को सौंपना काफी गलत जिम्मेदारी है, और उससे आयरन फोर्ट्रेस के मास्टर की मांगते हैं जो कि ट्रेन को चलाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और लेडी आईएमए भी इस बात से काफी ज्यादा निराश होती है और उन लोगों को मास्टर की दे देती है, और मास्टर की के हाथों आते ही वो ऑर्डर देता है कि ट्रेन को पहाड़ी इलाकों से लेकर जाया जाए। और लेडी आईएमए उसे इस बात से मना करती है क्योंकि उस रास्ते से काबने का हमला करने के ज्यादा चांस थे, पर वो बुढ़ाऊ कहता है वो रास्ता में जल्दी लेकर जाएगा, और फिर ट्रेन पहाड़ी इलाके की तरफ चल पड़ती है। और ट्रेन के अंदर हम इकोमा को देखते हैं जो कि अपने आप को दोष दे रहा होता है लेडी आईएमए पर अटैक करने के लिए, और मुंह में इकोमा को पूछती है क्या तुम्हें भी भूख लगी है। उनकी बातें चल ही रही होती है कि उनके सामने वाला दरवाजा खुलता है और कुछ गार्ड्स के द्वारा ताकुमी और काजिका को उसी जगह पर फेंक दिया जाता है क्योंकि वो दोनों इकोमा के दोस्त थे, पर वो दोनों अकेले नहीं होते क्योंकि न जाने क्यों सुकारी को भी वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। और ताकुमी इकोमा के पास आता है और उसे उसका चश्मा पहना देता है, और साथ में ही ताना मारता हुआ कहता है मैंने सुना था तुम लेडी आईएमए पर चढ़ गए, जिसे सुनकर मुंबई भी इकोमा को अश्लील कहती है, और साथ ही साथ ताकुमी इकोमा को उसकी कैनन मशीन दे देता है, और मुंबई उनकी बातों के बीच में आकर कहती है कि ये परफेक्ट टाइम है क्योंकि हमें अभी भूख लग रही। और मुंबई काजिका के पास आती है और उसे कहती है कि क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ, लेकिन अगर सिर्फ तुम्हारी मर्जी है तो। और काजिका इस बात से थोड़ी घबराई हुई होती है कि उन्हें बाहर से कोई शोर होता हुआ सुनाई दे, और जब वो बाहर देखते हैं उन्हें पता चलता है कि वो उनकी कार को अलग कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं। और जब इकोमा बाहर देखने ही लगता है वो उस पर गोली चला देते हैं जो कि उनके लगते लगते बची थी, और मुंबई इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा थी और कहती है कि मेरा भाई बिल्कुल ही सही था। पर उसी मोमेंट काफी ज्यादा खतरनाक चीज होती है, काफी ज्यादा काबने आते हुए ब्रिज से कूद रहे होते हैं और जो कि सीधा ट्रेन की छत के ऊपर गिरते हैं, और ये शोर सुनकर ट्रेन के अंदर लोगों को अंदाजा हो जाता है, और जो लोग बाहर काबने को मारने आए थे एक अजीब काबने जो कि तलवार चला रहा था उन्हें मार देता है, और फिर ट्रेन के अंदर आ जाता है, और जो भी लोग उसे लड़ने की कोशिश करते हैं सभी मारे जाते हैं। और इकोमा जोर जोर से अपने गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था ताकि वो बाहर आके उनकी मदद कर पाए, और मुंबई जो कि उसके पास खड़ी थी इकोमा को बताती है कि वो एक लर्नर है, और इकोमा को अपने सामने मरते हुए लोगों को देख काफी ज्यादा दुख हो रहा था। और मुंबई इकोमा को रास्ते से साइड करती है और उस छोटी सी बनी विंडो से उस काबने पर गोलियां चलाने लगती है, पर वो काबने उसे काफी आसानी से डोज कर लेता है, और उस काबने के साथ आए बाकी काबने लोगों को तड़फा तड़फा कर मारने लगते हैं। और दूसरी कार से भी अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि काबने अंदर घुस चुके हैं, सेवंथ कार से लेकर और उसके पीछे के लोग सभी के सभी मारे जा चुके हैं, और वही बुढ़ाऊ जिसकी ये सब गलती थी कि क्या कार्स को डिस्कनेक्ट करने का और कोई रास्ता नहीं है मास्टर की के अलावा, मतलब कि उसे उस लोगों से फर्क नहीं पड़ता जो कि पीछे मर रहे हैं। और कुरुसु लेडी आईएमए को कहता है कि हम ये सब संभाल लेंगे, पर लेडी आईएमए कुरुसु को कहती है कि नहीं मैं भी चलूंगी। लेडी आईएमए अपना वेपन जो कि एक तीर धनुष था उसे लेकर चलने लगती है और कह रही होती है कि हमें उन सभी लोगों को बचाना पड़ेगा जो कि मारे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम मुंबई को देखते हैं जो कि भूख के कारण वीक हो गई थी, और इकोमा कहता है कि हम ट्रेन के ऊपर से जाएंगे और हम उस लर्नर को खुद मारेंगे, और मुंबई भी इस बात से बिल्कुल तैयार होती है। और हमें दिखाया जाता है कि कीबितो और काफी ज्यादा सोल्जर्स ने रास्ते में बैरियर खड़ा करा था और वो सभी लोग उन पर मिलकर हमला कर रहे होते हैं जिसमें लेडी आईएमए भी शामिल। और कीबितो कुरुसु को कहता है कि तुम्हें अपनी तलवार ले आनी चाहिए, तुमने देखा ही होगा वो काबनेरी कैसे लड़ते थे, पास की लड़ाई में ज्यादा फायदा होगा क्योंकि तुम एक ट्रेंड समुराई हो,
और कुरुसु उसे अपनी गन देकर वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक मामूमे के साथ ट्रेन की छत पर आ चुका है, पर तभी ट्रेन ब्रिज से गुजरने लगती है और सुकारी नीचे से उन्हें एडवाइस देता है कि हम काफी ज्यादा टनल से गुजरने वाले हैं और अगर तुम्हें अपना सिर प्यारा है तो नीचे ही आ जाओ। पर इकुमा मना करता है और मूमे उन्हें बताती है कि एंट्रेंस पर योदो से कावन लिखा है और सुकारी ये सुनकर कहता है कि शायद हमारी किस्मत अच्छी है क्योंकि 3 more tunnels के बाद अगली टनल लेट ही आएगी। और इकुमा से सुनकर कहता है ठीक है हम फिर हमला करेंगे। और ट्रेन के अंदर हम देखते हैं कि काबाने से लड़ता लड़ता एक और सोल्जर काटा जाता है, पर वो सोल्जर सुसाइड बैग से सुसाइड कर लेता है और अपने साथ साथ काफी काबाने को भी ले जाता है। और ट्रेन की दीवारों में काफी बड़ा छेद हो गया था उस ब्लास्ट की वजह से। और अब काबाने किबितो और लेडी आयमे के सामने आ जाते हैं और वो दोनों उनसे लड़ने के लिए तैयार ही हो रहे होते हैं कि कुरुसु अपनी तलवार के साथ वहां पर आ जाता है और कहता है लेडी आयमे आप पीछे ही खड़ी रहिए, और काबाने से लड़ने के लिए अपनी तलवार बाहर निकाल देता है। और दूसरी तरफ ट्रेन की छत के ऊपर इकुमा और मुमे टनल के गुजरने का वेट कर रहे होते हैं और इकुमा के पीछे बैठी मुमे इकुमा को बताती है कि इकुमा मैं अपनी लिमिट तक जल्दी पहुंच जाऊंगी, फिर सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा। और इकुमा उस बात से मान जाता है और कहता है फिर मैं कर ही कह सकता हूँ। और शत से लमकती हुई काजिका मुमे से माफी मांगते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ उन लोगों ने तुम्हें कुछ बुरी चीजें कही होगी लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम उन्हें बचाओ। और मुमे इस बात पर हंसते हुए मजाक करते कहती है बेशक अगर वो सब मारे गए इस बाल्टी को कौन चलाएगा। और टनल के गुजरते ही मुमे और इकुमा दोनों आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर कुरुसु काबाने से लड़ रहा होता है और वो भी काफी अच्छे तरीके से। और गिरी हुई काबाने की लाश ट्रेन के रास्ते में आने के कारण ट्रेन काफी ज्यादा जोर से कांपती है और ऊपर ट्रेन की छत पर मुमे और इकुमा काबाने को मार रहे होते हैं और मुमे तो हवा में झूलती हुई काफी ज्यादा काबाने को मारती रहती है और ट्रेन के अंदर कुरुसु काफी अच्छे तरीके से सभी काबाने से लड़ रहा है। और इकुमा जो काबाने को मारते हुए सोच रहा होता है कि मैं अभी भी मुमे के जितना तेज नहीं हूँ और उसी मूवमेंट पर एक काबाने इकुमा पर हमला करने वाला होता है लेकिन मुमे उसे मार देती है और इकुमा को कहती है दिन में सपने मत देखो। और वो दोनों ऊपर का एरिया बिल्कुल क्लियर कर देते हैं लेकिन मुमे भी अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी थी इसीलिए वो काफी ज्यादा थक जाती है और उसके शरीर के काबाने जैसे निशान दिखने लगते हैं। और हम ट्रेन के अंदर मरे हुए लोगों को देखते हैं जहाँ से वही सामुराई काबाने गुजर रहा होता है जो कि एक लर्नर था और वो ध्यान भटके हुए कुरुसु पर अटैक कर देता है जिसे वो ब्लॉक तो कर लेता है पर वहां पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि एक काबाने को तलवार कैसे चलाने आती है। और फिर कुरुसु और वो काबाने वहां पर काफी ज्यादा खतरनाक स्पोर्ट फाइट करने लगते हैं और जब कुरुसु उस काबाने को मारने ही वाला होता है कि उसकी तलवार टूट जाती है और यही मौका देखकर वो काबाने कुरुसु के पेट में तलवार घुसा देता है और सभी सोल्जर्स उस काबाने पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं पर वो काबाने पीछे जाकर छुप जाता है और यही मौके की भी तो कुरुसु को अंदर की ओर खींच लेता है। और छत के ऊपर हम देखते हैं कि इकुमा मुमे को बांध रहा है ताकि वो छत से ना गिरे और इकुमा के जाने से पहले मुमे उसे कहती है कि अगर मेरे उठने पर तुम मुझे मरे हुए मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और यह कहकर सो जाती है। और इकुमा जाने से पहले काजिका और ताकुमी को कहता है मुमे का ध्यान रखने के लिए और वहां से जाने ही लगता है कि उसके साथ भी मुमे वाली हरकत होने लगती है यानी उसे भी इंसानी खून की जरूरत थी। और साथ में ही ट्रेन एक और टनल से गुजरने लगती है और हमें ट्रेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि कैसे सभी लोग काफी ज्यादा शील्ड्स लेकर आ रहे थे उस काबाने को रोकने के लिए पर वो काबाने सभी शील्ड्स को बटर की तरह काट रहा था और ना ही उस काबाने पर गोलियों का असर हो रहा होता है। और इकुमा अपनी पूरी मेहनत लगाकर उस जगह की छत पर पहुंच जाता है और जोर से चिल्लाता हुआ कहता है कि कोई मुझे अपना खून दो, मुझे नहीं पता कौन पर कोई भी, और बदले में मैं उस काबाने को मार दूंगा। और किबितो भी कहता है उसकी कैनन से हम उस काबाने को दिल को चीर सकते हैं। और लेडी आयमे सीढ़ियों से ट्रेन की छत पर चली जाती है और साथ ही वो टनल से भी गुजर जाते हैं। और लेडी आयमे अपना हाथ काटते हुए इकुमा को कहती है मैं तुमसे एक समझौता करती हूँ, मेरा खून लो और बदले में हमारे लिए लड़ो इकुमा। और वो लर्नर काबाने छत पर चढ़ ही रहा होता है कि कुरुसु उस काबाने पर अटैक कर देता है और उसे नीचे रोके रखता है। और ऊपर इकुमा भी लेडी आयमे के पास पहुंच जाता है और लेडी आयमे के खून को पीने लगता है और खून के उसके शरीर में जाते ही वो काबाने को नीचे गिराता है और उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उस पर वही मूव से हमला करता है और उस काबाने को नीचे गिरा देता है और उसके दिल में कैनन से हमला करता है और उस काबाने को वही मार देता है। और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं और उस बात की खुशी मनाने लगते हैं कि वो जीत गए। और फिर हमें इस हादसे के कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयरन फोर्ट्रेस और सभी लोगों की ट्रीटमेंट चल रही थी और हमारे इकुमा और मुंह में भी ट्रेन को साफ करने लगे हुए होते हैं और लेडी आया में भी सभी को मना रही होती है कि वो दो काबानेरी भी हमारे साथ रहेंगे इस ट्रेन में। और वो बूढ़ा आदमी पूछता है तो फिर इनको खून कौन पिलाएगा, जिस पे लेडी आया में कहती है कि मैं पिलाऊंगी और कुरुसु कहता है कि मैं भी। और इस बात पर ताकुमी किबितो काजिका और युकिना भी अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं और लेडी आयमे उन सभी को शुक्रिया करती है। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहां पर इकुमा के दोस्त और लेडी आयमे के साथी साथ में ट्रेन की छत पर खड़े होते हैं और अपनी अगली बढ़ती मंजिल के लिए तैयार होते हैं। और फिर उसके बाद एपिसोड यही एंड हो जाता है और इसलिए ये वीडियो भी एंड हो जाती है। मिलते हैं अगली बार, तब के लिए देखते रहिए बीस्ट फैंटेसी। फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा जाना।